चर्च शुड नॉट बिकम लाइक अ टीवी शो, लाइक सम स्टैंड अप कॉमेडी, जहाँ पे कोई आता है, कोई जोक्स और चुटकुला बांट रहा है और बगल वाला वहाँ पे तब कोई डायलॉग में कोई ड्रम्स बजा रहा है. ये सर नो, ये सब हम लोग टीवी में देखते हैं. इट इज़ नॉट फॉर चर्च, प्लीज. दिस इज नॉट, बट चर्चेज आर बिकमिंग लाइक दैट. एंड नोट, इफ योर पीपल, I will tell those pastors, if your people come to your church to be entertained by jokes, cool dialogues, and fashionable dressing, rather than being fed and taught and discipled by the word of God, then your church is not saved. क्योंकि जो उद्धार पाया है, परमेश्वर बोले कि disciple them, teach them and disciple them, teach them and disciple them. Go into the world, teaching, discipling. After they are baptized, उसके बाद teaching, discipling, बस. और अगर लोग teaching और discipling से ज़्यादा jokes सुनने के लिए आ रहे हैं, means they are not saved. वो लोग उद्धार पाए नहीं हैं. क्योंकि जो उद्धार पा गया है, उसको उसका विश्वास jokes सुन के नहीं बढ़ता है. उसका विश्वास कोई चुटकुला, कोई अच्छा कहानी सुन के उसका विश्वास नहीं बढ़ता है. विश्वास सुनने से आता है, मसीह के वचन से. इसलिए परमेश्वर बोले हम सब कुछ को हिला देने वाले हैं. एंड ही इज नॉट जोकिंग. रिसेंटली एक कंपनी था जो जैगुअर को, लैंड रोवर को खरीद लिया. विच कंपनी? टाटा स्टील. भाई अपना गाड़ी नहीं बेच पा रहा है. रिसेंटली टेलको आदितपुर हैज बीन इन वर्ल्ड न्यूज. वाई? बिकॉज गॉड इज शेकिंग एवरीथिंग. लाखों लाखों करोड़ों का लॉस, हजारों करोड़ों का लॉस, ऑलमोस्ट लाखों का लोग को बैठा दिया गया. जॉब्स नहीं मिल रहा आदितपुर में. वाई? गॉड इज शेकिंग एवरीथिंग. एंड डोंट थिंक, नहीं नहीं नहीं, सब लोग कितना ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, नहीं मार्केट वापस आ जाएगा, मार्केट वापस आ जाएगा. बाइबल इज नॉट ऑप्टिमिस्टिक. फॉर द वर्ल्डली पर्सन बाइबल इज नॉट ऑप्टिमिस्टिक. बाइबल संसार में हम लोग को ज़्यादा होप नहीं दिखाता है. यहाँ बाइबल तो बता दिया कि संसार में क्लेश होगा, लेकिन मत डरो, मुझ में तुम शांति पाओगे. इन द वर्ल्ड यू विल नॉट हैव पीस, इन द वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिब्यूलेशन, इन मी यू विल हैव पीस. Don't have much expectation from the world, young people who want careers, but have much expectation from God, because God has promised many things. But regarding the world, he says, no, there is not much over there. Sab paar hote ja raha hai. And things are not going to get better, things are going to get worse, because Bible mein likha hua hai ki sab kuch ko Parmeshwar hila de rahe hain. It has become global news. यहाँ तक कि कंपनी को कितना सेक्टर्स को बंद करना पड़ा. वाई? बिकॉज दे कैन नॉट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, दे कैन नॉट जस्ट कीप प्रोड्यूसिंग उतना स्टॉक को. एंड जिस गवर्नमेंट को वो लोग इतना सपोर्ट किए थे, वही लोग इलेक्ट्रिसिटी को और भी कमर्शियल सेक्टर में बढ़ा दिए बाई अनदर 27% to 37%. एंड जब उनको लॉस हो रहा है, देन नोबडी इज देयर टू हेल्प. सब तरफ से देयर विल बी प्रॉब्लम, सब तरफ से देयर विल बी केओस, सब तरफ से गॉड इज शेकिंग. और भी हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स होगा. वाई? क्योंकि परमेश्वर अपना कलीसिया को जगा रहे हैं, दुनिया को नहीं जगा रहे हैं, कलीसिया को जगा रहे हैं. दुनिया अगर ऑप्टिमिस्टिक है, आई डोंट केयर. अगर कलीसिया ऑप्टिमिस्टिक हो जा रहा है ये सोच के कि नहीं मार्केट आ जाएगा वापस और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा एंड सब जॉब जस्ट टाइम बीइंग के लिए, फिर से प्रॉब्लम्स आएगा, फिर से सब कुछ डूबेगा. पानी भरते जा रहा है और ये नौका डूबते जाएगा, डूबते जाएगा, डूबते जाएगा. स्टॉप पुटिंग योर होप्स इन द वर्ल्ड. बाइबल में लिखा हुआ है, अगर हम लोग इस जीवन में हम लोग अपना आशा को रखें, तो हम लोग सबसे अधिक अभागे. यानी कि कंपेयर टू ऑल काइंड ऑफ पीपल, कंपेयर टू पीपल हु आर लेट्स से
हु आर जिनको हम लोग हिजड़ा बोलते हैं, ठीक है, उनको भी अब हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा जॉब्स नहीं मिलता है, तब हैंडीकैप्ड लोग को भी बहुत सारा जॉब्स नहीं मिलता है, राइट, तब जो लोग अनएजुकेटेड हैं उनको भी बहुत जॉब्स नहीं मिलता है। प्रभु बोल रहे हैं यू नो व्हाट, सब कैटेगरी से ज़्यादा वो लास्ट कैटेगरी कौन है, विश्वासी, जो अपना अपना विश्वास अपना आशा इस संसार में रखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा अभागा है। वी फील बैड फॉर द पर्सन जिसका एक्सीडेंट में अब पैर खराब हो गया और उसके वजह से अब उसको वो जॉब से निकाल दिया गया, या अब वो जॉब बहुत सारा जॉब में उसको रिजेक्ट कर दिया गया, बहुत सारा जॉब कर नहीं पा रहा है वो। प्रभु बोल रहे हैं तुम उसके लिए तुमको खराब लग रहा है, उससे ज़्यादा तुमको अपने लिए खराब लगना चाहिए, बिकॉज तुम्हारे पास हाथ पैर सब कुछ तो बढ़िया है लेकिन तुम्हारा आशा इस संसार से। इंडिया में पेरेंट्स जब पता चलता है कि बेटी हुई तो सम ऑफ देम, नॉट ऑल बट सम ऑफ देम, अरे लड़का चाहिए था, एंड दे फील बैड। नो, इफ दे आर क्रिश्चियंस देन दे शुड फील बैड कि दे हैड होप फ्रॉम अ बॉय, फ्रॉम अ क्रिएटेड थिंग, दे हैव अटैच देयर होप्स टू क्रिएशन रादर देन टू द क्रिएटर। क्रिश्चियंस विल बी सच में द मोस्ट मिजरेबल, सबसे ज़्यादा अभागे, द मोस्ट मिजरेबल, दैट इज वॉट द बाइबल प्रोमिसेस, इफ आर होप्स आर अटैच टू दिस वर्ल्ड। गॉड इज नॉट जोकिंग, हजारों हजारों करोड़ों का नुकसान, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, बड़ा बड़ा नाम, ऑल हिट, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। परमेश्वर दुनिया को नहीं जगा रहे हैं, अपना कलीसिया को जगाने का कोशिश कर रहे हैं। बट आई वॉन्ट टू आस्क यू, प्रभु तो ये सब किए, कितने क्रिश्चियन जाग उठे और बोले कि लॉर्ड मुझे अपना विश्वास को जांचना है। आई वॉन्ट टू आस्क यू, मिस्र देश में जो बहुत, मिस्र देश में नहीं पूरा दुनिया में जो अकाल आया था, मिस्र देश जब यूसुफ था वहाँ पे, मिस्र देश में था, पूरा दुनिया में जो अकाल आया था वो क्या के लिए था, क्या के लिए था, गेस, इतने लोग मरे एंड क्या 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 के लिए था वो पूरा, वो पूरा इतना बड़ा अकाल क्या के लिए था, क्या का चेतावनी, कहाँ है इजरायली, वहां पे तो कोई इजरायली था ही नहीं, इजराइल तो तब तक बना ही नहीं था, क्या के लिए था, हैव यू एवर थॉट व्हाई डिड गॉड ब्रिंग दैट वर्ल्ड वाइड फैमिन व्हेन जोसेफ वाज इन इजिप्ट। अरे गिव जस्ट डोंट से एनीथिंग, गिव मी अ रीजन आल्सो, कौन, ताकि एक परिवार में रिकंसिलिएशन आए, एक विश्वासी का परिवार वहां से उठ के यहां आए और रिकंसिलिएशन हो पाए, परमेश्वर का प्रतिज्ञा पूरा हो, दैट्स इट, और परमेश्वर अकाल भेज दिए। ओके, उड़ाव पुत्र की कहानी में वो दूर देश में अकाल क्यों आया, क्योंकि एक लड़का है वहां पे जो विश्वासी घर से है, उसको वापस आना है। व्हाई डू यू थिंक टाटा हैज टू गो थ्रू ऑल दिस हेडेक, अच्छा एक एक जहाज था जो तार्शिश जा रहा था, अचानक से बहुत बड़ा सा स्टॉर्म आ गया, क्यों, और सब लोग अपना धन संपत्ति उंडेल के बर्बाद कर दिए, क्यों, हाँ वहाँ पे एक तो था भविष्यवक्ता, सो रहा था, उसके लिए आया था। डोंट लुक एट वर्ल्ड न्यूज एज ओ बैड 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 फाइनेंशियल डिसीशंस,
और मार्केट अभी डाउन हो रहा है, इट्स अ बैड सीजन. नो नो, इट इज़ फॉर सम बिलीवर्स हु हैव गॉन अस्लीप. इट इज़ फॉर सम बिलीवर्स, जो लोग गलत रास्ता पकड़ लिए हैं. इट इज़ फॉर सम बिलीवर्स, जिनको परमेश्वर बोल रहा है मेक रिकन्सिलिएशन, मेक पीस, वेक अप. परमेश्वर अपना कलीसिया को जगाने की कोशिश कर रहे हैं. वाई? क्योंकि इसलिए परमेश्वर हिला दे रहे हैं सबको. बिकॉज गॉड हैज़ अ प्लान फॉर हिज पीपल. क्योंकि परमेश्वर प्रतिज्ञा दिए हैं और वो नहीं टलने वाला है. परमेश्वर का योजना पूरा होगा. दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, डोंट प्ले गेम्स विद गॉड. परमेश्वर पूरा दुनिया को हिला देंगे, उनके लिए कोई बड़ा बात नहीं है. बाइबल में तो करते गए, बार बार करते गए. नाउ इन दिस, जब परमेश्वर पूरा दुनिया को हिला दे रहे हैं, राइट, तब कैसे, तब ये परमेश्वर बोल रहे हैं पूरा दुनिया को हिला देंगे. हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर से पिछड़ जाएंगे. वही संदर्भ में हम एक और चीज को देखने मांगते हैं, साम्स चैप्टर 16, ओके, वर्स 8. इस कारण मेरा हृदय आनंदित, वर्स 7, एक्चुअली इंग्लिश में आगे पीछे, हिंदी में आगे पीछे दिया. हाँ, मैंने यहोवा को, इंग्लिश में वर्स 8 होगा, हिंदी में वर्स 7 है, राइट. मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए वह मेरे दाहिने हाथ में रहता, मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा. परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं पूरा दुनिया को हिला दूंगा, स्वर्ग और पृथ्वी को मैं हिला दूंगा. उसके बीच में ये छोटा सा लड़का दाऊद बोलता है कि मैं कभी ना डगमगाऊंगा. इट इज़ पॉसिबल, यानी कि ये संभव है कि प्रभु सब कुछ को हिला दे रहे हैं. बड़ा बड़ा नाम, बड़ा बड़ा कंपनी, बड़ा बड़ा सब कुछ हिल जाएगा, एंड बीच में यू कैन बी एब्सोल्युटली स्टिल एंड बी अनमूव्ड बाई एनीथिंग विच हैपेंस, एनीथिंग. वाई? बिकॉज दिस इज वन ऑफ द पीपल जिसको परमेश्वर बोल दे रहे हैं उनका अनशेकेबल किंगडम, वो नहीं हिलेगा. गॉड इज गिविंग दिस मैन हिज अनशेकेबल किंगडम. नाउ आई वॉन्ट टू सी कि हाउ कैन आई बिकम अ पर्सन लाइक दैट. मैं कैसे वैसा व्यक्ति बन जाऊं कि लॉर्ड नो मैटर वॉट हैपन्स मैं नहीं हिलूंगा. सी, यीशु मसीह पत्रस के लिए प्रार्थना किए, यूहन्ना का 22 का 32. परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तू अपने भाइयों को स्थिर करना. ठीक है, भाइयों मतलब यीशु मसीह के बाकी चेले, वो लोग भी हिल गए थे. यहाँ पर यीशु मसीह पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे. सब हिल गए हो, बट वन थिंग हैज़ टू रिमेन कॉन्स्टेंट, योर फेथ. नाउ इसको वी हैव टू लुक एट इट अ बिट डीपली. हम दो लोग का एग्जाम्पल देखना मांगते हैं, दो लोग का एग्जाम्पल जिनका जिंदगी में, पुराना नियम से ही देखेंगे, जिनका लाइफ में हम लोग देख सकते हैं कि उनका विश्वास बना रहा. उनका लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आया, लेकिन उनका विश्वास बना रहा. ओके, पुराना नियम में किसका लाइफ में सबसे ज़्यादा ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशन आया? हाँ, यस, समबडी सेड जोसेफ. उसके बाद हाँ, जॉब के कंपैरिजन में तो फिर भी यस, जॉब.
राइट। जॉब के लाइफ में पहले बिजनेस डाउन, तब फैमिली डाउन, राइट, तब बीमारी। अगर वो अपना नौकरी पे, करियर पे, मार्केट पे, लुक एट व्हाट हैपेंड टू सीसीडी का ओनर, एनीथिंग यू पुट योर ट्रस्ट ऑन, इट कम एंड बाइट यू, यू कांट सी। World will promise many things, but that is where you have to be careful. Matlab, see, even if you want to be very rich in this world, Bible pehle se hi bol diya hai, those who desire to be rich in this world will fall into many temptations, will fall into many snares. If you desire to be very rich, if you desire normal, Lord, aap humko yahi jo mera status hai usi mein rakhiye, not a problem, Lord. Nahi, Lord, हम सोच रहे हैं अभी मेरा उम्र ये है, विद इन 10 ईयर्स हम रिलोकेट करने मांगते हैं प्रभु, मेरा अपना बड़ा घर रहेगा, 5 कुत्ता रहेगा। आई वेंट टू अ फैमिली, आई रिलेटिव इन हजारीबाग, 1 बच्चा 6 कुत्ता। लाइक वाओ, ये अलग पैटर्न है। So, if you keep these ideals कि नहीं ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, you are already opening yourself to many snares. इसलिए don't keep these ideals. Lord, आया तो ठीक है, नहीं आया, no. हम पहले से इसको हम मन में बीज नहीं डालने देंगे, ये सब चीज को, इसको हम अंदर में बीज नहीं डालने देंगे. अयूब, वहां जाने की जरूरत नहीं है. पहला चीज, योर बिजनेस, इफ यू पुट योर होप इन इट, इफ यू पुट योर होप इन इट, यू हैव टू एग्जामिन योर सेल्फ. जब आप लोग का बिजनेस, जब आप लोग का करियर, जब आप लोग का सैलरी से कनेक्टेड, या आप लोग का वॉट एवर, वो उसमें अगर ऊंच नीच होता है, तो क्या आप लोग इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं उस समय? क्या आंख भर आता है? क्या गुस्सा हो जाते हैं? देन यू हैव अटैच्ड सम होप टू इट, सम होप टू इट, थोड़ा ना थोड़ा आशा तो उससे जुड़ा हुआ है. अगर नेक्स्ट, उसके बाद उसका परिवार, राइट, क्योंकि लिखा हुआ है कि जब घर गिर गया, सॉरी, जब उसका बिजनेस डाउन हो गया, जब उसका घर गिर गया, उसके बच्चे भी मर गए, उसके बाद वो दंडवत हुआ और आराधना किया. ही वर्शिप्ड गॉड, ही वर्शिप्ड गॉड. यू सी, इट ऑल लेड हिम टू वर्शिप. यस, इट इज वेरी पेनफुल टू लूज योर चिल्ड्रेन. यू नो, जस्ट थिंक ऑफ इट. आई मीन, लुकिंग बैक एट इट, राइट, गिवन अ चॉइस, मतलब दिस इज लाइक हाइट्स. लाइक, प्रभु, आप उसका, ठीक है, परिवार, उसके बच्चों को तो आप मार दिए, राइट, पत्नी को काहे जिंदा रखे है? क्योंकि यू डोंट सी शी वॉज हेल्पिंग हिम ओवर देयर, वो तो और उसका दर्द को बढ़ा रही थी, राइट, तो जानबूझ के उसको परमेश्वर, उसको परमेश्वर जिंदा रखे, टू ऐड टू हिज प्रॉब्लम्स, राइट. एंड वहां पे यू सी कि ही इज वर्शिपिंग गॉड, यानी कि जो भी उसका दिल में दर्द है, ही इज नॉट कंप्लेनिंग शुरुआत में, ही इज He's directing it all towards worship. He's able to direct all the pain, all the loss, everything. Because see, in life there is, honestly, let me tell you, I have seen good servants of God, very good servants of God, I have seen their children going astray. Ki unke bachche Parmeshwar ke saath nahi chal rahe. Right? Losing a child doesn't mean ki car accident. The worst thing, the most heartbreaking thing for a believer who is walking with God is to see their children not walk with God. And as parents, I want to prepare you all for that.
don't be very sure ki your children will walk with God. There is no guarantee. आज का दुनिया में there is no guarantee. Are you going to say ki all the Christian children जो आज जो हम लोग देखते हैं कि जो प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं, are you saying कि सबका parents खराब है इसीलिए? नहीं. Many of them are very good Christian parents. And they must have tried their best. Nobody is perfect. But definitely वो लोग अपना बहुत अच्छा कोशिश किए होंगे. How will you deal with it when your, God forbid, when some children turn out to be drug addicts, when some children lose their virginity, how will you deal with it? Tab kaisa? Tab kya karenge? You have to be ready. It is difficult. Udav putra ka pita, kya wo ek kharab pita tha? Nahin. लेकिन वो इमोशनली बिल्कुल बैलेंस था. जब वापस आता है तो पिता बोलता है ये जो मरा हुआ था अब फिर जिंदा है. यानी कि जब तक वो प्रभु को छोड़ दिया था मेरे लिए भी वो मरा था. यू आई हैव सीन एंड आई एडमायर ऐसे मैन ऑफ गॉड को एंड वुमेन ऑफ गॉड को, परमेश्वर के ऐसे लोगों को जिनके बेटा बेटी जब परमेश्वर को छोड़ के चले गए वो लोग बोले कि ठीक है बेटा, ठीक है बेटी, एक चीज याद कर लो, दैट्स इट. हम लोग आई लव यू, हम तुम्हारा पढ़ाई तुम्हारा सब कुछ का खर्च उर्च दे देंगे, बट तुम अगर मेरा परमेश्वर से पीछे हट रहे हो तो समझ लो कि तुम हमसे भी पीछे हट गए हो. हम लोग का परमेश्वर के सिवाय और कोई रिश्ता नहीं रहा. हम सब कुछ किए, हम पिता का जिम्मेदारी माँ का जिम्मेदारी हम लोग निभा लेंगे, बट अगर परमेश्वर की इच्छा के विरोध में तुम अगर कोई अविश्वासी से रिश्ता जोड़ रहे हो हम वो शादी में नहीं रहेंगे. क्या आप हमसे प्यार नहीं करते हैं? करते हैं. पढ़ाई तुम्हारा हॉस्टल लिए सब कुछ का पैसा दिए, तुम्हारा डिग्री सब कुछ का पैसा दिए, बट शादी का पैसा नहीं देंगे. नहीं हम खुद कर लेंगे, वो उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है करो, हम नहीं रहेंगे वहाँ पे और हम तुमसे अब और कभी नहीं मिलेंगे. आई एडमायर देम, दे पुट गॉड फर्स्ट नॉट देयर चिल्ड्रन, एंड आई एक्सपेक्ट नॉट एनीथिंग लेस फ्रॉम यू ऑल. इफ योर चिल्ड्रन टेक दैट स्टेप, डोंट गेट इमोशनल, बी स्ट्रांग एंड से ओके. You walk out of God, you can take, you want to, हमको अपना हिस्सा चाहिए, जाओ. हम रोकेंगे नहीं, नहीं हम पीछे पीछे आएंगे, खींचेंगे, नहीं लंबा सा दुपट्टा उधर जा रहे हो दूर देश और इधर दूसरा साइड इधर माँ पकड़ी हुई है, नहीं नहीं छोड़ दिए बस. That is why there is no Indian mother in that parable. लंबा सा दुपट्टा उधर से, no. Not in Christ, ठीक है. You don't like the rules of this house, ठीक है, you can go. You want the money, ठीक है, पिता का जो एक जिम्मेदारी है वो दे दिया, बस घर खुला है. जब वापस आने मांगते हो मन फिरा के, हमेशा, I'm not saying you go to hell, नहीं नहीं कभी नहीं, always house is open, come back, repent and come back, but repent and come back, मन फिरा के वापस आओ. And I admire men and women of God, जो लोग अपना दिल पे पत्थर रखते हैं and they take hard decisions like that, putting God first. I know, मेरे परिवार में भी एक man of God, परमेश्वर का दास, वो उनका बेटा जब decide किया कि वो एक ऐसे लड़की से शादी करेंगे जो विश्वास में नहीं है, ठीक है हम नहीं रहने वाले हैं, और वो नहीं था. इतना बड़ा पास्टर अपना बेटा का शादी में नहीं जा रहा है. So what? It's not about pastor, it's about God first. That's radical. Then, if you put your hope in your wife, kuch bhi ho, meri wife mere saath hai, kuch bhi ho, mera husband mere saath hai. राइट, क्योंकि पहले बिजनेस गया, तब बच्चे गए, तब वाइफ, अयूब की पत्नी. कुछ भी हो, अगर मेरी पत्नी मेरे साथ है तो
हम लोग मैनेज कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, हम खड़ा रहेंगे, कुछ भी हो, अगर मेरा पति मेरे साथ है तो मेरा सबसे, वो हमको समझता है, हम लोग 20 साल से, 25 साल से, 35 साल से, 40 साल से एक साथ रहे, अगर वो मेरे साथ है तो हम लोग, हम मैनेज, हम बने रहेंगे. एंड यू विल सी इन द टफेस्ट सिचुएशन वो बोलती है परमेश्वर को, कोस के मर जाओ, मर जाओ. एंड फिर वो बोलता है, तब वो समझ गया, शी इज टॉकिंग लाइक अ फूलिश वूमेन, वो एक मूर्ख स्त्री जैसा बात कर रही है. एंड वो उसको बोलता है, क्या परमेश्वर से हम लोग सिर्फ भला चीज पाएंगे और बुरा चीज नहीं पाएंगे क्या? यू हैव टू पुट योर ट्रस्ट इन गॉड अलोन, यू हैव टू पुट योर ट्रस्ट इन गॉड अलोन. यू कैन नॉट पुट योर ट्रस्ट इन हेल्थ, क्योंकि बीमारी आ सकता है टू गॉडली पीपल ऑल्सो. अयूब, एलिशा कैसे मरा बीमारी में? इपैफ्रोडाइटिस, अगर नए नियम में चाहिए तो पॉलूस है, इपैफ्रोडाइटिस है, टिमथी है, टिमथी बार बार बीमार होता था. इट्स ओके, आई एम नॉट सेइंग कि सिकनेस इज ओके, आई एम सेइंग कि कीप प्रेइंग फॉर हीलिंग. आई बिलीव गॉड हील्स, आई बिलीव गॉड हील्ड मी टुडे, आई बिलीव, ठीक है. बट आई एम नॉट सेइंग कि नहीं, अरे बीमारी आ जाएगा तो हम 10 सवाल पहले पूछेंगे. पहले जब तक हमको परमेश्वर लंबा सा डिटेल्ड आंसर नहीं देंगे, तब तक हम सेवा के लिए हम एक उंगली नहीं उठाएंगे. नहीं, नहीं, हेल्थ पे भरोसा नहीं रहेगा एंड हेल्थ को एक मेन इशू नहीं बनाएंगे. नो. दूसरा व्यक्ति जिसको हम देखना मांगते हैं, रूथ. रूथ, उसके लाइफ में भी अगर हम लोग देखेंगे, उसका पति मर गया, उसका उसका ससुर, उसका भी डेथ हो गया. फादर इन लॉ डेड, ब्रदर इन लॉ डेड, हस्बैंड डेड. वो विधवा, उसकी सास विधवा और उसकी जेठानी विधवा, राइट. थ्री विडोज, तीन तीन विधवा, एक ही सरकमस्टेंस, मुआब में एक ही परिस्थिति में गरीब हैं तीनों के तीनों. बाइबल हम लोग को बताता है, रूथ का पहला अध्याय 8वीं पद, तब नयोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कही, से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे. आगे, यहोवा ऐसा करे यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ. ओके, नेक्स्ट वर्स. नहीं, वापस जाना, वापस जाना. और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, और उसने कहा, निश्चय हम तेरे संग रहेंगे, तेरे लोगों के पास चलेंगे. नयोमी ने कहा, हे मेरे बेटियां, लौट जा, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियां, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा, ओके नेक्स्ट वर्स, तो भी, नेक्स्ट वर्स. तब वे फिर से उठी, और ओरफा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग ना हुए. नेक्स्ट वर्स. तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई, इसलिए तू भी अपने जेठानी के पीछे लौट जा. ठीक है, एक सास और दो बहू, क्लासिक हिंदी सीरियल विथ लॉट्स ऑफ क्राइंग, बहुत रोना, बहुत ड्रामा,
राइट, रो रही है, रो रही है, चूम रही है, रो रही है, चूम रही है, डायलॉग्स 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 डायलॉग्स, रोना चूमना, डायलॉग डायलॉग हो रहा है, राइट। बट ओवर देयर व्हाट डू यू सी? एक का डायलॉग बस डायलॉग था, दूसरा का डायलॉग कन्विक्शन था। एक का जो मुंह से जो निकल रहा था वो दिल से निकल रहा था, क्योंकि काम भी वैसा था। दूसरा का बस इमोशनल, बस ड्रामा। दूसरा वो जस्ट अ ड्रामा क्वीन, बस रो रही थी, रोई, उसको चूमी और फिर चले गए। हाउ मेनी पीपल आर देयर हु हैव इमोशनल कन्वर्जन्स, इमोशनल कन्वर्जन्स and emotional walk with Christ, very flowery words, बहुत ही एकदम सुंदर सुंदर बात उनके मुँह से निकलता है प्रभु के लिए, प्रभु इतने अच्छे हैं, प्रभु इतने मीठे हैं, ओ प्रभु का धन्यवाद हो, ओ प्रभु का स्तुति हो, वो मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं। भाई आप किधर हैं, बहन आप किधर हैं, क्या आप कर रहे हैं उनका सेवा, क्या आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं उनके साथ, क्या आप उनके भवन में हैं, क्या आप उनका, क्या आप डिसाइपल कर रहे हैं, क्या आप अपने आप को सौंप रहे हैं, क्या आप अपने आप को वेदी पे डाल रहे हैं, क्या आप समर्पण कर रहे हैं? हाँ मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ दिल से, आई डोंट वॉन्ट डायलॉग्स परमेश्वर वर्ड में, दे क्राई, गॉड डजेंट वॉन्ट दैट। उधर यू सी रूथ, फाइनली परमेश्वर उसको चुनते हैं, and Ruth comes in the lineage of Jesus Christ. वो दाऊद की दादी बन जाती है. God chooses her. मलाकी में फिर जाएंगे, chapter 2 का 13। फिर तुमने यह दूसरा काम किया कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करते, यहाँ तक वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? एंड दिस यू हैव डन अगेन, कवरिंग द ऑल्टर ऑफ द लॉर्ड विथ टीयर्स, विथ वीपिंग, विथ क्राइंग in so much that God does not even regard offering anymore, nor will he receive it from your hand. God will not accept any kind of offering from people who are just emotional followers. God doesn't want bas emotional, bahut log bas, there is a difference between emotions and convictions, bhavna aur पवित्र आत्मा का जो ठोस उल्हाना जो रहता है ना, जो अंदर हृदय के बीचों बीच से आता है, दैट इज़ डिफरेंट। लाइक आई सेड, यू नो, वेदर इट इज़ इन प्रेयर रिक्वेस्ट, वेदर इट इज़ इन थैंक्स गिविंग, वेदर इट इज़ इन प्रेइंग फॉर अदर्स, कितना कुछ हम लोग बस इमोशनली कर रहे हैं और कितना कुछ सच में कन्विक्शन से हो रहा है, कितना कुछ सच में कन्विक्शन से हो रहा है, कितना कुछ सच में पवित्र आत्मा का उल्हाना से हो रहा है। ओरफा रोई 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 और वापस पीछे चल गई। मेनी पीपल आई हैव सीन, दे कम टू चर्च, दे विल क्राई, रोएंगे, सरमन का तारीफ करेंगे या तो रोएंगे। कोई कोई लोग सरमन का तारीफ करेंगे और एकदम बहुत अच्छा, बहुत, एंड दैट्स इट। इसलिए नीति वचन में लिखा है कि कोई सुबह सवेरे उठ के तारीफ करता है वो श्राप गिना जाएगा। गॉड डजंट वॉन्ट लिप सर्विस, जबकि हम लोग का दिल उनसे दूर है। यीशु ने कहा ये लोग अपने होठों से मेरी आराधना करते हैं मगर इनका मन, इनका हृदय दूर है। यू नो वॉट कम्स आउट ऑफ कन्विक्शन? अय्यूब का 13:15। वह मुझे घात करेगा, आ,
It's such a bad translation. Na bura anuvad hai. Though he slay me, yet will I trust in him. Though he slay me, Ayub keh raha hai, sab kuch kho dene ke baad, wo agar mera ghat bhi kare, to bhi main us par vishwas karunga. Ye vyakti jo sab kuch kho diya hai, he is saying, Lord, I will still trust you. वो टूटा हुआ घड़ा को लेके अपने आप को खरोच रहा है, मरने पे है, उसकी वाइफ भी उसको बोल रही है मर जाओ, एंड वो कह रहा है प्रभु अगर आप हमको मार भी दिए ना, हम पीछे नहीं हट रहे हैं विश्वास से, हम विश्वास में बने रहेंगे. डू यू हैव दैट काइंड ऑफ अ फेथ? इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ फेथ, तब आप भी कह पाएंगे प्रभु आप हिला दीजिए पूरा दुनिया को, आप मेरे साथ हैं, हम नहीं हिलने वाले हैं. इट्स नॉट जस्ट अ सॉन्ग वी सिंग, इट इज नॉट जस्ट अ गुड बाइबल मेमोरी वर्स, इट इज ट्रूथ. कि प्रभु चाहे जो भी प्रॉब्लम आ जाए मेरे लाइफ में, मेरा सेवा पीछे नहीं हटने वाला है, मेरा लाइफ, मेरा गिविंग, मेरा सब कुछ प्रभु, जो कुछ भी है प्रभु, मेरा समर्पण बना रहेगा प्रभु. हम वेदी में अपने आप को डाल दिए हैं, हम प्रभु हल पे अपना हाथ डाल दिए हैं प्रभु, हम पीछे नहीं मुड़ने वाले हैं प्रभु. इट इज़ डन, इट इज़ डन. वो एक बार हमेशा हमेशा के लिए प्रभु आप, वाई इट इज़ नॉट क्योंकि हम करके दिखाएंगे, नहीं प्रभु ये मेरा प्रत्युत्तर है. आप जो किए हैं मेरे लिए प्रभु, आप जो मेरे अंदर कर रहे हैं प्रभु, ये बस उसका प्रतिक्रिया है. इट इज़ जस्ट अ रिस्पॉन्स लॉर्ड, इट इज़ जस्ट अ रिस्पॉन्स. यू आर वर्किंग इन मी लॉर्ड. एंड जब आप सच में अपना दिल से, हल्के तौर पे नहीं, लेकिन जब आप दिल से कह सकते हैं कि लॉर्ड इवन इफ आई डाई, इवन इफ आई लूज एवरीथिंग, माई फेथ विल स्टिल रिमेन ओ लॉर्ड इन यू, माई फेथ विल नॉट बैक ऑफ, नो मैटर आई लूज एवरीथिंग, फैमिली, जॉब, हेल्थ, सब कुछ प्रभु चले जाए, फिर भी लॉर्ड मेरा फेथ आप में बना रहेगा. पॉलुस को सब लोग छोड़ दिया, उसका चर्चेस जो वो एस्टैब्लिश किया था छोड़ दिए उसको, छोड़ दिए उसको, कोई उसके साथ खड़ा नहीं था कचहरी में जब उसको जवाब देना था. फिर भी वो टिमोथी को लिखता है, जब आओगे ना तो मेरा किताब सब लाना, और वचन जो पार्चमेंट्स में लिखा हुआ है वो लाना. क्या उसका विश्वास है अभी भी? है. उसका खुद का चर्चेज उसको छोड़ दिया, येट ही इज इन फेथ. अ मैन लाइक दैट कैन नॉट बी शेकन. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग बी एन इनो, इवन इफ नोबडी एल्स वॉक्स विथ यू, यू वॉक विथ गॉड, यू वॉक विथ गॉड. प्रभु ये किसका, यहाँ पे देखिए, दो ही स्ले मी, ये नहीं कह रहा अगर शैतान भी मुझे मार दे, ये क्या 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 कर रहा है? दो ही कौन? अगर परमेश्वर प्रभु, अगर आपको ये प्रसन्न है कि आप मुझे मार दे, सही प्रभु, आई विल डाई टू प्लीज यू. विश्वास क्या है? आई विल येट आई विल ट्रस्ट इन हिम. ट्रस्ट यानी कि फेथ, राइट, भरोसा, विश्वास. विश्वास का मकसद क्या है? विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड. यानी कि विश्वास का मकसद है टू प्लीज गॉड, परमेश्वर को प्रसन्न करना, राइट. नाउ डिड गॉड किल जॉब? बट यू नो गॉड किल्ड समबडी एल्स. आइजाया में लिखा हुआ है, एक मिनट, चैप्टर 53 वर्स 10. तो भी यहोवा को यही भाया, इट प्लीज द लॉर्ड कि उसे कुचले. इट्स नॉट ब्रूज हिम टू क्रश हिम,
उसको रोग उसने उसको रोगी कर दिया जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा वह बहुत दिन जीवित रहेगा उसके हाथ से यहोवा का इच्छा पूरी हो जाएगी। ये किसके बारे बात किया जा रहा है? यीशु मसीह के बारे बात किया जा रहा है। गॉड डिडंट किल जॉब, गॉड सेड जॉब नॉट यू, यू आई विल गिव यू डबल बट आई विल किल समबडी एल्स सो दैट आई कैन ब्लेस यू जॉब। एंड गॉड सेड आई विल किल माई ओन सन, इट प्लीज्ड गॉड to crush his own son. Church, do you see how much God loves us? Parmeshwar hum log se kitna prem karta hai. That is why he has a right to all of our faith. Pura adhikar hai unka. Agar wo bolte hain ki Eric tum apna job pe, apna paisa pe, apna ghar pe, apna patni pe, apna health pe, apna future pe, कोई भी चीज़ पे तुम भरोसा नहीं करोगे, आई वॉन्ट ऑल ऑफ योर फेथ, प्रभु का पूरा अधिकार है मांगने के लिए, क्योंकि लिखा हुआ है यहोवा को यही भाया कि वो अपना इकलौता पुत्र को कुचल दिए। नन ऑफ अस कैन एवर डू दैट, राइट? नन ऑफ अस कैन एवर डू दैट। लुक इन टू योर चिल्ड्रन्स आईज एंड से यू कैन डू दैट, नो वी कैन नेवर डू दैट, but that is what he did. Such amazing love, and we need it. We cannot question it because we need it. We need it. We needed it. Uska pran dosh bali kare, usko rogi kar diya taki uska vansh, tab wo apna vansh ko dekhne payega. We are his seed. हम लोग उनके वंश हैं। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी होगी। We'll go to Isaiah chapter 53, verse, I'll tell you which verse. एक मिनट, verse 8, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए, उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के लिए उस पर मार पड़ी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीच में ही उसको उठा लिया गया, कि उसका जिंदगी और लंबा नहीं किया गया, राइट? और दसवीं पद में लिखा हुआ है, ओके, एंड बस एट को ही रखना, हिंदी में आई डोंट नो ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं, हिंदी में हु शैल डिक्लेयर हिज जेनरेशन, मतलब उसका पीढ़ी का वर्णन कौन करेगा? बेसिकली ये एक तरीका है बताने का कि वो जवानी में ही उसको मार दिया गया, एंड उसको लंबा जीवन नहीं मिला, उसको जवानी में ही मार दिया गया। ये बात किया जा रहा है यीशु मसीह का मृत्यु का, राइट? एंड देन वर्स 10 में जब उसका मृत्यु के बारे बात किया जा रहा है, देन वर्स 10 जो हम लोग अभी पढ़े, वहां पे लिखा हुआ है कि जब वो अपना प्राण दोष बलि करके चढ़ा दिया है, अचानक से ये जवान व्यक्ति जो जवानी में शादी के पहले मर गया, अचानक से अपना वंश को देख पा रहा है। क्रूस में यीशु मसीह अपना वंश को नहीं देख पाया, लेकिन जब अपना प्राण को दे दिया, जब मर गया यीशु मसीह, तब उसके बाद पहला वंश, एक कौन था पहला वंश, कौन था पहला वंश, कौन था उसके, एक डाकू, एक एक करके आने लगे, तब वो जवान व्यक्ति
शादीशुदा नहीं, बीच में ही मार दिया गया, वो अपना वंश को देख पाएगा और वो बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। दैट इज जीसस। चलिए हम लोग खड़े हो जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। आपका पुत्र यीशु मसीह का, आपका पुत्र यीशु मसीह का लहू के लिए लॉर्ड हम बहुत आभारी हैं। प्रभु प्रभु हमें कभी भूलने ना दीजिए प्रभु कि हम कितने आभारी हैं प्रभु, क्योंकि अगर हम भूल गए तो प्रभु हम सबसे ज़्यादा अभागे रहेंगे प्रभु। और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मदद कीजिए विश्वास से चलने के लिए। आपका लहू के यहाँ पे हर एक पे छिड़कते हैं, आपको फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सौभाग्य के लिए कि प्रभु आपका सेवा करने के लिए कि आपने हमें चुना है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड आपका। और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जो भी वचन हम सुने हैं प्रभु उसमें हम बने रहे प्रभु, और प्रभु हमारा दिल प्रभु आप में स्थिर रहे प्रभु, डगमगाए नहीं। थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। मे द लव द फादर, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट रेस्ट एंड अबाइड विद ईच वन ऑफ अस, आमीन।